हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएसई कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइस, जीटीयू की तरफ से आज अगेन एक नया सर्कुलर आया है, जिसे आप यहां पे देख सकते हो 5/12/2020। तो आज 5 दिसंबर को, अभी थोड़ी देर पहले ही ये सर्कुलर आया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए हैं इस सर्कुलर में, लेट्स सी क्या बोला गया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म्स ऑफ विंटर 2020 एग्जामिनेशन। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, हर एक सर्कुलर का सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उसी तरह से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि अभी विंटर एग्जामिनेशन जो लगभग 10 दिसंबर या दिसंबर मिड से चालू होने वाले थे आपके, जीटीयू ने वो एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, राइट। वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, कब होंगे वो भी हमें नहीं पता, और कौन से मोड में होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी हमें नहीं पता। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जीटीयू ने ऑलरेडी दी थी। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग को लेके। बट थोड़े बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि हमने तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग कर दिया है, तो डोंट वरी, तो ये जो है आपके लिए नहीं है। जिन लोगों ने सक्सेसफुली फॉर्म फिलिंग कर दिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वापस कुछ नहीं करना। बट इस पर पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना था आपको एग्ज़ाम के पहले, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। या कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी हुआ था कि रिक्वायर्ड डेडलाइन के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये जो मौका है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है कि अभी देखिए, एग्ज़ाम के पहले डेफिनेट टाइम था, उस टाइम के अंदर आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलिंग करनी थी। बट अभी जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, एग्ज़ाम अभी वापस बाद में होगा, इसीलिए जीटीयू ने उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच के वापस उनको एक मौका दिया है कि अगर आपका फॉर्म फिलिंग तब नहीं हुआ था तो अभी मौका है, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। बट कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी हैज़ पोस्टपोन द विंटर 2020 एग्जामिनेशन टिल फर्दर ऑर्डर्स इन द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ एनी स्टूडेंट हुज फॉर्म फिल वॉज नॉट whose exam form was not filled within the exam form filling schedule of winter 2020 of all courses, university may allow the student to fill the examination form on the recommendation of their parent institute. तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप directly form fill up नहीं कर सकते। ये जो form filling है ये वापस पहले जैसे portal में open हो गया था, हर किसी के लिए open नहीं होगा। तो आप कैसे दे सकते हो, अगर in case आपने तब फॉर्म किसी भी तरह से आप नहीं भर पाए, कोई प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन भरने में, या जो भी है, जिस भी वजह से आपने फॉर्म तब फिलअप आप नहीं कर पाए थे, अभी आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया और अभी आप करना चाहते हैं, तो आपका जो भी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, मतलब आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज से आपको कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ के जो भी आपके HOD है, प्रिंसिपल है, या जो भी है, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। और अगर उनको लगता है कि हाँ आप जेन्युइनली बोल रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम हुई थी आपको, या आप इस तरह से कन्विंस कर सकते हो, तो क्या होगा, इस तरह से आपको आपके कॉलेज वालों से बात करनी है, और आपके कॉलेज की जो हायर अथॉरिटी है वो लोग फिर GTU से बात करेंगे। तो अगर आप आपके कॉलेज वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपकी रिक्वेस्ट मान के आपके कॉलेज वाले GTU से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो GTU आपको वापस एक मौका देगा, वापस आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एग्ज़ाम का ओपन होगा, और फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, यूनिवर्सिटी विल रिलीज द कंसर्न स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म फिलअप इन देयर स्टूडेंट पोर्टल। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए वापस रिक्वेस्ट जाएगी GTU तक, तब GTU उनके लिए उनके स्टूडेंट पोर्टल में वापस एग्जाम फॉर्म फिलिंग का विंडो ओपन कर देगा। स्टूडेंट वहाँ से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, और फॉर्म फिलिंग के बाद वहीं पे आपको आपकी एग्जाम फीस भी भर देनी है ऑनलाइन, जैसे कि अभी जिन भी बच्चों ने भर दिया है उन्होंने भी जैसे भरा है बिल्कुल वैसे ही आप उनमें से किसी स्टूडेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये उन सारे बच्चों के लिए मौका है जो तब नहीं भर पाए थे, अभी वापस आप आपके कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट करके और उनके थ्रू GTU से रिक्वेस्ट करके आप आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग और एग्जाम की फीस दोनों चीजें भर सकते हैं और अच्छे से आपके एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट, जब भी एग्जाम हो तब, ठीक है। तो ये सर्कुलर अभी अभी आया है, प्लीज स्प्रेड इट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, आपके बैच में, आपको जिनके बारे में नहीं पता, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होता हो सकता है उन सबके लिए, राइट। तो प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो विद ऑल दो स्टूडेंट्स, सो दैट जिनका भी फॉर्म फिलिंग बाकी है वो लोग इस मौके का फायदा उठा के जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।